हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर टू का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं साइंस का। इसके दो पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी देख लें। पहले पार्ट वन देखें, टू देखें, उसके बाद थ्री देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नॉट ऑल दैट स्मॉल। जैसा कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्मॉल है। इट इज़ अबाउट 6-7 मीटर लॉन्ग। ये कितना है? लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय यूजिंग 3 टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस। ये 3 तरह का सिक्रेशंस करके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो क्या क्या होता है? फर्स्ट क्या है हमारा? सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर। लीवर से क्या क्या सिक्रेशन होते हैं? द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इस पॉइंट को याद रखें, लीवर क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर्स होती है। इट इज़ प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक ऑन द राइट साइड। तो ये लीवर कहाँ पे होता है? स्टमक के बिल्कुल नीचे ही होता है और राइट साइड में होता है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। ये क्या करता है लीवर? बाइल जूस सीक्रेट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये जो लीवर होता है, ये एक बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि एक बैग के शेप में बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें स्टोर रहता है। दिस बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो ये जो बाइल जूस होते हैं, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियास। तो पेनक्रियास इज़ ए येलो लीफ शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो देखिए, पेनक्रियास भी क्या है? ये भी स्टमक के जस्ट नीचे में होता है। और ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है, लीफ शेप्ड का होता है, पत्ते की शेप में होता है ये ग्लैंड होता है। इट सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। ये जो है पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। दिस जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड ब्रेक्स देम इंटू सिंपलर फॉर्म। और जो पेनक्रियास जूस होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में। और ये जो बाइल जूस होता है, ये क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और जो पेनक्रियास जूस होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि डाइजेस्ट करते हैं। नंबर थर्ड हमारा है सिक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सीक्रेट्स द इंटेस्टाइनल जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का होता है, इनर वॉल होता है, वहाँ से भी जो है क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं। दिस जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। और ये जूस क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन यूजेज द बाइल पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन इट्सेल्फ। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, ये इसमें 3 तरह के हमने देखे सिक्रेशन होते हैं। तो ये बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इन तीनों का यूज़ करके कंप्लीट जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का फूड को, वो यहाँ पर ये अपने आप कंप्लीट करता है, उसको डाइजेशन को कंप्लीट करता है। हेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड टू सिंपलर शुगर्स लाइक ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, वो शुगर के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते, डाइजेस्ट होकर के शुगर के फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू एमिनो एसिड्स। और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट ब्रोकन डाउन हो जाते हैं। और जो फैट्स होते हैं, वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेशन के बाद। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, अब फूड तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इसके हैं, उसको अब एब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किससे करता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है, वो इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विले। तो जो ये देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाया गया है, ये इसका इनर वॉल है। देखिए, यहाँ पे फिंगर का शेप में इस तरह करके बना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? विलाई कहा जाता है इसको। तो ये जो है एब्जॉर्ब करता है। द विलाई इंक्रीज द इफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो ये विलाई जो होता है, क्या करता है? फूड को
अपनी सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में जो है वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। दिस एब्जॉर्ब फूड इज़ पास टू ब्लड वेसल्स प्रजेंट इन द विलाई। उसके बाद जो ये एब्जॉर्ब फूड होता है विलाई में जो एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ब्लड वेसल्स में पास कर दिया जाता है। गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई द ब्लड, और उसके बाद ब्लड से ये बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँच जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाई द बॉडी। उसके बाद इसका यूज़ एनर्जी प्रोड्यूस करने में और जो भी बॉडी का जो भी बिल्ड का काम होता है, जो भी सब्सटेंस का होता है, उसकी रिक्वायर्ड ज़रूरत जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, और ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट अब हमारा है द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वाइडर होता है और थोड़ा छोटा होता है, यानी कि चौड़ा तो ज़्यादा होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई हमने कितना देखा था, 6 से 7 मीटर, लेकिन जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 1.5 मीटर है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो भी फूड अनडाइजेस्टेड हो जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सारा कहाँ जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हेयर द एक्सेस ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड्स। तो इस प्रकार से जो एक्सेस ऑफ वाटर रहता है, एक्सेस वाटर रहता है वो, और सम मिनरल्स और कुछ मिनरल्स जो होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में रहते हैं, उसको यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ फूड पासेस टू द रेक्टम एंड इट इज स्टोर्ड देयर एज फेकल मैटर। तो जो वेस्टेड मैटर, वेस्टेड पार्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, वो यहाँ से पास होकर के रेक्टम में चला जाता है और यहाँ पर फेकल मैटर के रूप में स्टोर हो जाता है। फेकल मैटर यानी कि जो वेस्ट मैटर होता है वो। द फेसेस आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। उसके बाद जो ये जो फेकल मैटर होता है वो एनस के द्वारा एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3, ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ ए चपाती या सैंडविच। तो यहाँ पे हमें एक चपाती या फिर सैंडविच की जर्नी को हम ट्रेस कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह से उसका डाइजेशन में उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। वी ऑल ईट ए चपाती और ए सैंडविच क्वाइट ऑफन। हम जो प्रायः हम लोग जो है जो सभी चपाती या फिर सैंडविच खाते हैं। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन दिस फूड आइटम इनटू सिंपलर फॉर्म। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। इट दस हेल्प्स इट टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, जब ये सिंपलर फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करता है तो इससे हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए उसको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। यूज़ द फ्लो चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। आगे के पेज में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, टू ट्रेस द जर्नी ऑफ चपाती टू शो हाउ इट गोज फ्रॉम जस्ट बींग ए फूड आइटम ऑन योर प्लेट टू जर्नी ऑफ जर्नी टू एनर्जी ऑफ लाइफ। तो यहाँ आगे के पेज में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें चपाती की जर्नी को शो करना है कि किस तरह से वो जो फूड आइटम है वो आपके प्लेट से जा कर के वो लाइफ के लिए एनर्जी के रूप में यूज़ होता है। राइट जस्ट वन और टू सेंटेंसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड टू हाईलाइट द रोल ऑफ ईच ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट इन दिस इवेंचुअल जर्नी। तो इस जर्नी में कौन से पार्ट का क्या रोल है उसको एक से दो सेंटेंस में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ चपाती की जर्नी है। तो ये चपाती सबसे पहले कहाँ पे जाता है हमारे, जब हम चपाती को खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है चपाती इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चपाती इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज, यानी कि चपाती जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जब हम चबाचू करते हैं, चबाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वो फिर कहाँ जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट जाता है हमारे स्टमक में। तो यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन ऑफ चपाती इज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे चपाती का पार्शियल डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो जाता है वो फिर जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इसमें यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ चपाती टेक्स प्लेस हेयर। यहाँ पे चपाती का कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके बाद वो पास होकर के कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे क्या किया होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एंड सम मिनरल्स प्रेजेंट इन चपाती गेट्स एब्जॉर्ब्ड। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो चपाती का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो उसमें एक्सेस वाटर और सम मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, और नेक्स्ट जो लास्ट होता है वो जाता है हमारा यहाँ पर रेक्टम में। तो यहाँ पर क्या होता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ चपाती स्टोर्ड हेयर, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है चपाती का वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन कर्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स। कर्ड च्यूइंग मींस क्या हुआ कि जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड को जो भी है प्लांट्स मटेरियल उसको पहले जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, मोटा मोटा हल्का हल्का चबा करके, उसके बाद में वो क्या करते हैं उसको निकाल करके मुँह में दोबारा से उसको अच्छे से चबा चबा कर जाते हैं। तो ये जो जल्दी जल्दी में निकला हुआ फूड होता है इसी को क्या कहा जाता है, कर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से खाने वाले जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे काउ, डियर, कैमल, बफलो, शीप और जिराफी, सब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं जो कर्ड च्यूइंग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है। और इनका जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, फोर चैम्बर्ड स्टमक होता है। देखिए हमारा जो स्टमक होता है हमारा एक ही होता है, लेकिन इनके पेट में जो क्या हो इनका फोर चैम्बर का स्टमक होता है। एक बार फूड यहाँ पे पार्शियली जो है सो च्यू करके यहाँ डाल खाते हैं तो यहाँ पे जाता है, उसके बाद दोबारा से ये इसको च्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें जाता है, फिर नेक्स्ट इसमें जाता है, ऐसे धीरे धीरे करके एक वन बाय वन करके जो है उनका फूड डाइजेस्ट होते चला जाता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, चलिए देखते हैं आगे। द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट इज कॉल्ड रूमेन। जो पहला चैम्बर होता है वो स्टमक का वो क्या कहलाता है, उसको रूमेन कहा जाता है और वो सबसे बड़ा होता है। These animals first swallow the food quickly and store it in their rumen. इसमें क्या करते हैं, animals जो है पहले अपने food को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और वहाँ पर store कर लेते हैं, कहाँ पर, rumen में store करते हैं। The rumen has some microorganism that help in partial digestion of the cellulose of the plant materials. तो जो rumen में होते हैं क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर जो क्या करते हैं, फूड को पार्शियल डाइजेशन, पूरी तरह से डाइजेशन नहीं करते हैं, पार्शियल डाइजेशन करते हैं जो प्लांट्स में जो सेलुलोज को, सेलुलोज में, ठीक है ना। दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कर्ड। तो ये जो फूड होता है वो क्या कहलाता है, कर्ड कहलाता है। देखिए ये वाला देखिए यहाँ पे स्टमक का जो ये पार्ट दिखाया गया है ये सबसे बड़ा होता है, इसे रूमेन कहा जाता है, और यहीं पर जो स्टोर होता है फूड इसे कर्ड कहा जाता है। द रूमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग दिस कर्ड बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट थ्रोली। तो जो बाद में जो रूमिनेंट होते हैं ये अपने फूड को अपने माउथ में वापस लाते हैं और इसको अच्छे से चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, और ये प्रोसेस रूमिनेशन कहलाता है। द थोरो च्यूइंग ऑफ फूड ड्यूरिंग रूमिनेंट्स हेल्प टू ब्रेक डाउन द रिच सेलुलोज कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल्स। तो बाद में जो इसको अच्छे से जब फूड को च्यू करते हैं तो इससे क्या होता है, जो प्लांट मटेरियल्स होते हैं वो रिच सेलुलोज कंटेंट्स होता है उसमें ब्रेक डाउन होता है। दिस ब्रेक डाउन मेक्स इट ईजी फॉर दीज एनिमल्स टू डाइजेस्ट द सेलुलोज कंटेंट्स। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है फूड उससे क्या होता है, इन एनिमल्स को इन सेलुलोज कंटेंट को डाइजेस्ट करने में आसानी से हेल्प होता है। देखिए यहाँ काऊ का दिखाया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें देखिए इसका स्टमक फोर चैम्बर का है, पहला क्या है ये रूमेन, दूसरा है ओमेसम, थर्ड है ओबेमेसम और फोर्थ है ये सेकम। तो देखिए ये जो ओबेमेसम और सेकम है ये जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये देखिए बीच में यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, बाद में सेकम के बाद ये लास्ट प्रोसेस इसका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाने का, और उसके बाद फिर वो जो है सो एलिमिनेट हो जाता है। रूमिनेंट्स ऑल्सो हैव ए स्पेसियस बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन देयर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया डायग्राम में, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है इसके बीच में देखिए ये एक बैग शेप का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड सेकम, ये क्या कहलाता है, सेकम कहलाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सेकम हेल्प इन फर्दर डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज ऑफ द फूड। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं सेकम में
वो क्या करते हैं, फूड को पूरी तरह से यहाँ पे जो बचा होता है डाइजेस्ट होना बाकी रहता है सेलुलोज उसका, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हेयर दैट सच बैक्टीरिया आर नॉट प्रजेंट इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रजेंट नहीं होते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट देयर फॉर डाइजेस्ट द सेलुलोज विच गोज ऑन टू फॉर्म रफेज। तो जो ह्यूमन के जो बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये नहीं होते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसमें जो सेलुलोज होता है इसको वो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। रफेज हेल्प्स इन द बॉयल मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडीज। और जो इसमें रफेज होता है वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के जो बाउल मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मोस्ट सॉइल पॉन्ड्स एंड लेक्स। अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है जिसमें यानी कि एक ही सेल होते हैं ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और ये पॉन्ड्स लेक जैसे मोस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन्स, और ये एक सेल मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा रहता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। ये क्या करता है, इसका जो शेप होता है, देखिए सीडोपोडिया क्या है, यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाएगा ये वाला और ये वाला जो शेप निकला हुआ है इसको सीडोपोडिया कहते हैं, और इसी से ये मूव करके अपने शेप में चेंजेस करके ये जो क्या है ये आगे मूव करता है। सीडोपोडिया आल्सो हेल्प इट इन कैप्चरिंग फूड। और जो सीडोपोडिया होता है ये फूड को कैप्चर करने में भी इसको हेल्प करता है, और इसी से वो मूव करके आगे भी चलता है। अमीबा फीड्स ऑन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। अमीबा जो है सो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है जैसे कि बैक्टीरिया है एल्गी है। व्हेन अमीबा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद फूड इट प्रोड्यूसेस सीडोपोडिया। जब किसी फूड के कॉन्टैक्ट में आता है ये अमीबा तो क्या करता है अपना सीडोपोडिया को प्रोड्यूस करता है अराउंड द फूड पार्टिकल्स के आसपास। एज द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द सीडोपोडिया फ्यूज द फूड गेट्स ट्रैप्ड इन ए फूड वक्कल। और जैसे ही जो फूड है वो सीडोपोडिया के नज़दीक आता है तो सीडोपोडिया क्या होता है फ्यूज़ कर देता है उसको और ट्रैप कर लेता है उस फूड को। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, आपको बताती हूँ। देखिए ये सीडोपोडिया है ये वाला ये देखिए इधर से भी ये वाला है। तो यहाँ से देखिए ये ओपन है जैसे कि ये फूड देखिए ब्लैक कलर में जो है ये यहाँ पे आया तो ये क्या होता है इधर से और इधर से दोनों साइड से इसको बंद कर लेता है। देखिए इस पिक्चर में देखिए इसको यहाँ से कैप्चर कर लिया बंद कर लिया और फिर क्या किया इसको डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्ट कर जब हो जाता है इससे सब कुछ का एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स तो उसके बाद फिर ये ओपन हो जाता है और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सीक्रेटेड इन टू दिस वैक्यूअल टू डाइजेस्ट द फूड। जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं सीक्रेट होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है इसको इसके ऑर्गेनिज्म के एनर्जी के लिए मूवमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए एब्जॉर्ब करके यूज़ किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड प्रजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। उसके बाद जब इसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था उसको क्या किया जाता है एक्सपेल कर दिया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो समझ में आई हो। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल पर बने रहें। थैंक यू।